नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। देह व्यापार का गोरख धंधा राजधानी के साथ साथ पूरे देश और उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है, फलता फूलता जा रहा है। लखनऊ पुलिस लगातार इस पर शिकंजा भी कस रही है और कई जगह पर लापरवाही भी देखने को नजर आती है। ऐसा ही एक मामला कानपुर के रावतपुर क्षेत्र मसानपुर थाना अंतर्गत सामने आया, जहां पर धड़ल्ले से स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी का गोरख धंधा फलता फूलता जा रहा था। कानपुर पुलिस की कई थानों की संयुक्त टीम ने स्पा सेंटर पर छापेमारी की और चार युवक युवतियों को मौके पर गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम ऐसी जगहें हैं, हर जिले में ऐसे स्पा सेंटर जहां पर स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी का यह गोरख धंधा फलता फूलता जा रहा है। राजधानी लखनऊ में भी तमाम ऐसे स्पा मसाज सेंटर हैं जहां पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और कई जगह पर पुलिस के संरक्षण में स्पा सेंटरों का धंधा फलता फूलता जा रहा है। कानपुर पुलिस ने इन शातिर लोगों पर और जिस्म फरोशी के धंधे में युवक युवतियों को ढकेलने वाले लोगों पर अपना शिकंजा कसा है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कानपुर पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए अवैध रूप से चल रहे अर्बन स्पा सेंटर पर छापेमारी करते हुए बड़ी कार्रवाई की। इसके साथ साथ और तमाम ऐसे कानपुर क्षेत्र के स्पा सेंटर हैं जिस पर कानपुर पुलिस की लगातार निगाह बनी हुई है। आइए आपको दिखाते हैं एक विशेष रिपोर्ट।